आष्टा में सरकारी जमीनों पर दबंगों ने कब्जा जमा लिया है। दरअसल पूरा मामला गोकुल धाम के पास पुराना कन्नौज रोड का है, जहां पिछले 5 सालों से दबंगों ने सरकारी रोड पर कब्जा कर रखा है, जिससे आम जनता और कॉलेज के छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग कई बार कब्जे की शिकायत प्रशासन से कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन भी इन दबंगों के आगे लाचार नजर आ रहा है। हालांकि अब देखना लाजमी होगा कि इन दबंगों पर प्रशासन का बुलडोजर आखिर कब चलेगा। तो यहाँ पर आपको खबर आष्टा से हम बता रहे हैं, जहां पर सरकारी रोड पर दबंगों ने अपना कब्जा जमा रखा है और दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि सरकारी कर्मचारी और प्रशासन से भी उनको कोई डर नहीं है। वहीं अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन में भी खौफ नजर आ रहा है दबंगों का, क्योंकि प्रशासन के द्वारा शिकायत करने के बावजूद यहाँ पर किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। ये मालिक परेशान है, यहाँ पर जो कॉलोनी वाले हैं वो परेशान है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से सामने स्कूल है, वो स्कूल में भी पूर्ण रूप से बच्चे आते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि देखो स्कूल में भी हम देखेंगे तो बच्चे आते हैं तो परेशान हो जाते हैं, पूरा कीचड़ होता है। अगर ये रोड प्रशासन खुलवाता है तो निश्चित इसका फायदा होगा। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक महात्मा गांधी कॉलेज स्कूल है, कॉलेज है, उस कॉलेज का अगर हम देखेंगे तो बच्चे आते हैं। एक कन्नौज रोड है जो हाईवे से जुड़ा हुआ। यहाँ भैया लोगों ने मकान भी बना रखे हैं और उनसे मना करो कि काम नहीं लगाओ तो लड़ने को तैयार होते। और ऐसे कई लोग हैं जो कुछ हमारे किसान भी हैं जो कब्जा किए हैं, और कुछ यहाँ के जो एक बजंदार लोग जिनको कहते हैं उनके मकान भी बने हुए हैं, जबकि वो एसटीली में सरकारी जमीन में मकान बने हैं और यहाँ पे राजस्व ने कभी उस पर कोई पैर भी नहीं किए। आपने इसकी शिकायत प्रशासन को की है? हाँ, लोगों ने की है, सरकार की है बाकायदा। ये समाज सेवी है दत्ता शर्मा जी, जो कि इनकी जमीन है, वो निश्चित ही परेशान है क्योंकि ये रोड पूरी तरह से बंद है। अगर ये रोड खुल जाता है तो सभी को फायदा होता। हमारे साथ कॉलेज के सर, यहाँ से महात्मा गांधी कॉलेज आष्टा में 2 रोड आ रहे हैं, एक ही गोकुलधाम से सीधा महात्मा गांधी पहुँच रहा है, दूसरा रोड कन्नौज रोड से सीधा आ रहा है। दोनों रोडों पे ही समस्याएं हैं, दोनों रोड से बच्चे नहीं पहुँच पा रहे, एक पर अतिक्रमण कर रखा है और दूसरा रोड आने जाने के लायक नहीं है, जिससे आए दिन घटनाएं होती रहती है। मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि ये रोड इधर का खुलवाएं और साथ ही ये रोड बनाएं, जिससे कि बच्चों को आने जाने में समस्याएं ना हो। पुराना कन्नौज रोड है, अभी तक ये बाजार पूरा यहाँ से वहाँ तक कब्जा है, पुराने दशहरे मैदान से निकला हुआ है, जो कि मेन कन्नौज रोड पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, फिर भी ये रोड जो है नहीं खुल रहा है, कब्जे बड़े बड़े हैं यहाँ पे। आपने इस पे प्रशासन से शिकायत की? शिकायतें सभी तरह से कर दी साहब, बाकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है किसी चीज की। उससे जो ट्रैफिक होता है वो ट्रैफिक में भी हमें बहुत लाभ मिलेगा अगर रोड चालू हो जाता, छोटे मोटे वाहन, स्कूल वाहन, बच्चा बच्ची की ना जाम लगे, ना मंडी का वो हो, और ये रोड भी वास्तविक में ये बहुत पुराना रोड है, आज तक लोग निकलते थे इससे। और मेरा मानना है 4 से 5 एकड़ जमीन है सरकारी, या जो आवास योजना बनी है हमारे वहाँ पर, हो सकता है उस योजना को हम यहाँ पर ला सकते हैं, क्योंकि आज तक करीब है और रास्ता में है, वार्ड 15 में लगती है। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि से यही कहना चाहता हूँ।